जी 27 मई 2024 को थाना मटेरा के क्षेत्र अंतर्गत इंडियन बैंक से दोपहर 2 से 3 बजे के बीच एक बुजुर्ग महिला 50,000 रुपए विड्रॉ करके अपने गांव इधरवा की ओर जा रही थी। ई रिक्शा से वो अपने गांव लौट रही थी और 2 अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल पे बैंक से ही उनका पीछा किया और गांव में जब पहुंचने पर वो ई रिक्शा से निकल के अपनी गली में एंटर करी तो एक अभियुक्त मोटरसाइकिल से नीचे उतर के उनके पीछे भागा और उनके हाथ से जो पैकेट था जिसमें उनके 50,000 रुपए नगद पासबुक और आधार कार्ड था उसको छीन के मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। इस घटना का संज्ञान लेते ही तत्काल हमारी टीम सक्रिय हो गई थी, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और तभी से अभियुक्तों की तलाश जारी थी। तो बेहतरीन खुलासा करते हुए थाना मटेरा की टीम द्वारा और एसओजी द्वारा सीओ नानपारा के नेतृत्व में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना के समय इनके द्वारा मोटरसाइकिल उपयोग की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है और इनके पास से एक नया उन्हीं पैसों से खरीदा हुआ मोबाइल फोन और 37,500 रुपए रिकवर हुए। तो 100% रिकवरी है। कुछ पैसे का उनके द्वारा फोन खरीद लिया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। और जो पूछताछ में बात संज्ञान में आई है वो ये है कि ये दोनों युवक जुआ खेलने के आदी थे और पूर्व से भी इनके ऊपर जुए का कर्ज था जिसको अदा करना चाहते थे और घटना के तत्काल बाद पुनः जाके इन्होंने रिशिया क्षेत्र में जुआ खेला और उसमें और पैसे अपने हारे। तो 4 दिन के अंदर बेहतर खुलासा टीम द्वारा किया गया है, उसके लिए उनको भी नकद पुरस्कार दिया जा रहा है और इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है। बैंक के पास भी रिटायर करते थे, बैंक के कर्मी जो पढ़ने का थे उसको निशाना बना रहे थे। हाँ, जो उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखी गई है ये काफी लंबे समय तक बैंक के परिसर और उसके आसपास टहलते रहे जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये खोज में थे किसी सॉफ्ट टारगेट की जिससे ये लूटपाट की घटना कर सके। तो उसके बाद से हमारे द्वारा भी सभी पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है कि जो बैंक चेकिंग होती है उसमें बैंक परिसर में टहलते हुए संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन और तस्दीक करने पे और अधिक बल दिया जाए। कितने समय से इनके आपराधिक इतिहास को टटोला जा रहा है। इनके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है कि पूर्व में मुंबई में भी चोरी आदि के केसेस में जेल में रहे हैं पर अभी मुकदमा संख्या नहीं अभी प्राप्त हो पाई।